नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा इन्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन के साथ दो और नई दवाओं से इलाज शुरू करने पर विशेषज्ञ डॉक्टर ने अपनी मुहर लगाई है। जी हां, संजय गांधी पीजीआई के निदेशक डॉक्टर आर के धीमान की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश पर अब ब्लैक फंगस के रोगियों के इलाज में इसावुकोनाजोल और पोस्का नाजोल दवाओं का प्रयोग किया जाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा गहन अध्ययन कर यह नतीजा निकाला गया है कि ये दोनों ही दवाएं ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर हैं। अब तक प्रदेश में ब्लैक फंगस के कुल 1471 मरीज मिल चुके हैं। कोरोना महामारी से उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखने की दिशा में लगातार किए जा रहे प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलने लगे हैं। योगी सरकार की ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति कारगर साबित हुई है। इसी का नतीजा है कि 24 घंटे में प्रदेश में कोविड टेस्ट पॉजिटिविटी दर रेत्र मात्र 0.4% रहा है। वहीं कोरोना के कम होते संक्रमण दर को देखते हुए अब बरेली और बुलंदशहर को भी आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट दे दी गई है। इन जिलों में भी कोविड के सक्रिय मामले 600 से कम हो गए हैं। अब राहत पाने वाले जिलों की कुल संख्या 67 हो गई है। वहीं दो दिवसीय प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी के समाप्त होने के बाद सोमवार से इन दोनों जिलों को भी सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। इन जिलों में साप्ताहिक व रात्रिकालीन बंदी सहित अन्य सभी कोविड प्रोटोकॉल लागू रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 के साथ बैठक में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 67 जिलों में कुल एक्टिव केसों की संख्या 600 से कम हो गई है। वहीं रिकवरी की स्थिति को देखें तो सोमवार तक 4-5 और जिलों के भी 600 एक्टिव केस से कम की श्रेणी में आने की संभावना है। भारतीय मजदूर संघ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश का ऐसा मजदूर संगठन बताया जिसके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। संगठन की उत्तर प्रदेश इकाई के 35वें त्रैवार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि संगठन ने सदैव राष्ट्र, समाज, उद्योग और श्रमिकों के हित के बारे में अपनी मांग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये लगातार श्रमिकों के मन एक नया विश्वास पैदा करने में सफल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और भारतीय मजदूर संघ के सहयोग से उत्तर प्रदेश ने एक नई ऊर्जा के साथ काम किया है। विमान पतन सलाहकार समिति की बैठक में शनिवार को कई अहम काम के लिए अंतिम मुहर लगी है। खासकर प्रयागराज एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की अनुमति मिलने से हवाई सफर करने वालों को सहूलियत होगी। इसके अलावा सुविधाएं भी और बढ़ाई जाएंगी। प्रयागराज एयरपोर्ट विमान पतन सलाहकार समिति की बैठक शनिवार को सांसद केशरी देवी पटेल की अध्यक्षता में हुई। SDM सिटी अशोक कुमार कनौजिया ने बताया कि एयरपोर्ट की 4-लेन कनेक्टिविटी के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। नाइट लैंडिंग का मुद्दा सांसद केशरी देवी पटेल ने संसद में भी उठाया है और इसके अलावा एयरपोर्ट पर जल भराव को रोकने के लिए ड्रेनेज सिस्टम PWD जल्द बनाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए योगी सरकार पर फिर से निशाना साधा है। सरकार पर हमलावर होते हुए इस बार संजय सिंह ने नमामि गंगे को मुद्दा बनाते हुए घोटाले की बात कही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में यूपी सरकार को सभी विरोधी दल घेरने की फिराक में है। सुर्खियों में बने रहने वाले आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नमामि गंगे सहित कई मामलों पर सरकार को निशाने पर लिया है। संजय सिंह के मुताबिक 28,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में अब तक 8,000 करोड़ ही खर्च हुए हैं। संजय सिंह ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बड़ा आरोप लगाया है। कि योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को देश समझते हैं, आदित्यनाथ जी अपने आप को राष्ट्र समझते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी बोलना राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह। जिस आदमी को हाई कोर्ट से स्टे मिल चुका है, उस सूर्य प्रताप सिंह को 3-3 देशद्रोह उनके ऊपर लगा दिया आपने, और उसका अपराध क्या है?
उनका एकमात्र अपराध है कि कोरोना की महामारी में उन्होंने सच उजागर करने का काम किया। उन्होंने बताया कि गंगा के घाटों पर किस तरह से सौ। वहीं कल पूरे देश में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ताजनगरी आगरा में भी लोगों ने पर्यावरण दिवस मनाया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कर रहे थे। थाना बसई अरेला के थाना अध्यक्ष शेर सिंह के साथ सभी पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों ने भी थाना परिसर में हुए पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वही थाना अध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि वृक्षों को काटे नहीं, जितना हो सके उतने ही पेड़ लगाएं तो हमारा जीवन सुरक्षित है। आज जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और जो हमारा पर्यावरण विघटन हो रहा है इसमें मुख्य रोल पेड़ों का रहता है, जैसे ऑक्सीजन की कमी या वातावरण का प्रदूषित होना। तो हम वृक्षारोपण करके यही जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे हमें जो ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है वो दूर हो तथा हमारा पर्यावरण पूर्ण रूप से स्वच्छ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद कर दी थी। इस वजह से मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकार ने सरकारी अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ओपीडी सेवा शुरू कर दी है। आजमगढ़ के मंडली अस्पताल में करीब एक महीने बाद ओपीडी सेवा शुरू हुई, लेकिन ओपीडी सेवा शुरू होने के साथ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए अस्पतालों से खास अपील की जा रही है कि कोविड की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। इस दौरान सभी को मुश्किल समय से गुजरना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने का भी पैसा नहीं है, लेकिन हमारे समाज में कुछ समाज सेवी ऐसे हैं जिन्होंने लगातार असहायों की मदद की है, जिन्होंने लगातार कोरोना संक्रमण महामारी के दौरान लोगों को खाने से लेकर ऑक्सीजन तक मुहैया कराया है। लखनऊ के समाज सेवी और बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी वो शख्स हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में ऑक्सीजन से लेकर खाने पीने का सामान और दवाइयां लोगों तक पहुंचाई हैं और आज भी लगातार वो मदद में जुटे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि अमित त्रिपाठी 2 बार खुद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन ठीक होते ही उन्होंने फिर से अपनी सेवा शुरू कर दी। अमित त्रिपाठी लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल बन गए हैं। भाजपा युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी अमित त्रिपाठी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर हजरतगंज चौराहे और लोहिया हॉस्पिटल में जरूरतमंदों को फल, बिस्किट और जूस पानी के साथ मास्क भी वितरित किया है। आगरा के सदर तहसील में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने बिल की कॉपियों को फाड़कर अपना विरोध जताया है। मौके पर कई थानों की फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। वहीं पुलिस ने काले कानून की कॉपियों को किसानों से छीनने की भी कोशिश की। भारतीय किसान महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सावित्री चाहर ने किसानों के साथ तहसील के गेट भी नारेबाजी की है। अच्छा, मैं भारतीय किसान यूनियन की जिला अध्यक्ष महिला विंग की समाज सेविका सावित्री चाहर और आज तहसील में जो धरना प्रदर्शन दिया गया है, हमारे हाई कमान जहाँ से संयुक्त मोर्चा की तरफ से चौधरी राकेश टिकैत जी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता उनकी तरफ से आह्वान किया था कि आज 5 जून 2021 को 1 साल हो गई, जो भारत सरकार केंद्र सरकार ने जो कृषि कार्य कानून पास करे थे 1 साल पहले, आज उनका हम विरोध कर रहे हैं। यहाँ बिल फाड़े गए हैं क्योंकि 6 महीने से हमारे किसान गाजीपुर बॉर्डर और अन्य बॉर्डरों पर रुके हुए हैं। ताजनगरी आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना एतमादौला और खंदौली में चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासा करते हुए चोरी करने वाले 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने चोरों से सोने के आभूषण, एलईडी टीवी और अन्य सामान भी बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं SPCT रोहन पी बोत्रे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं।
तो आगरा से खबर बता रहे जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस पूरे मामले में एसपी सिटी रोहन बी बोत्रे ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद में प्रधान की दबंगई ने लोगों को परेशान कर रखा है। आरोप है कि प्रधान ने 22 अन्य लोगों के साथ मिलकर परिवार के साथ मारपीट की थी। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए और इसी वजह से एक युवक की जान चली गई और एक बुजुर्ग महिला को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले का संज्ञान लेकर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने एक्शन लेते हुए चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। लगातार तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए नारेबाजी की जा रही है। राकेश टिकैत भी लगातार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो देश भर में किसानों का आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। किसानों ने अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर जो ये 3 कृषि काले कानून बनाए गए थे जिनके विरोध में आज 6.5 महीने लगभग धरना चलते हुए हो गया दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर। आज ऊपर से आदेश है भारतीय किसान यूनियन के बड़े पदाधिकारियों का कि इनकी जो प्रीति है आज इन्हें 1 वर्ष हो गया इस कानून को बने हुए पूरा। आज 1 वर्ष हो गया है तो आज इनकी प्रीति वो फाड़ गए। पहले तो हमारा प्रोग्राम था इन्हें जलाने का, लेकिन आज वो है पर्यावरण दिवस है तो पर्यावरण दिवस पे हम कोई भी चीज जला के जो है दूसरी फसल नहीं करना चाहते, उसका सम्मान करना। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।